नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी। पाकिस्तान में प्रेग्नेंट हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग मेडिकल रिपोर्ट में देखकर उड़े परिजनों के होश। तो दोस्तों, यह खबर मैं आज आपके लिए खोज कर लाया हूं, बहुत ही खास खबर है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अभी से लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खाने वाले से एक अजब खबर सामने आई है। यहाँ 60 वर्षीय बुजुर्ग को लैब टेस्ट में प्रेग्नेंट बता दिया। अल्लाह भट्ट नाम का शख्स DH की अस्पताल में इलाज करवाने गया था। वहां उसने यूरिन टेस्ट करने को कहा गया। इसके बाद बिट्टा ने एक प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो परिजनों के होश उड़ गए। टेस्ट में गर्भवती बताया गया उसे। यह खबर जैसे ही सरकारी अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने मामले की जाँच की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने लैब को सील कर दिया। लैब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हेल्थ रिपोर्टमेंट ने जांच पड़ताल की, पता चला कि लैब बिना लाइसेंस अवैध रूप से चला रही थी। यहां कोई डॉक्टर भी काम नहीं करता। लैब करीब 2 साल से संचालित थी। जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो इसका लोग जमकर मजाक उड़ाने लगे। कोई इसे फेक बता रहा है तो कोई इसे सरकार की जिम्मेदारी ठहरा रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब लोगों की किसी लैब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये खबर सत्य है या यूँ, हमें नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते ही रहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।